आपका ये भी कहना है कि अगर बुलडोजर चलेगा तो वोट कहाँ से पाएगा? देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है, और वो उसके पास कागज नहीं है, और कुछ लोग उसको आपत्ति और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना राजनीति में, उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी जौनपुर का मामला है। जौनपुर में एक महिला ने, एक यादव प्रधान था, उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया, कंप्लेन में जाँच में सही पाया गया उसका कंप्लेन, और उसने क्या किया कि जाँच अपनी रुकवा दिया प्रभाव, और महिला के खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि तुम्हारा घर बंजर में है। अब पता चला अधिकारियों ने उसे इलेक्शन के समय कहते रह गए और बुलडोजर चला दिया और रो रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है, और अपने खुद प्रधान जो है एकड़ में है, तो आप ऐसे कुछ देख सकते हैं कि जिसके वजह से, तो बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और आज के दिन में इसलिए वो मैंने कहा था, और किसी भी माफियाओं पर चलना चाहिए, बड़े बड़े इस तरह से लोग जो लोगों की जमीन हड़पे हैं वो रास्ता खाली कर। और एक बात और है, कभी भी भाई हम कोई विकास तो होना चाहिए, लेकिन कोई 100 साल से है तो उसे पहले हम स्थापित कर लें, फिर उसे भी स्थापित करें। अब एक है कि कानून बना दिया, उसे स्थापित कर दिया, पैसा दे तो कहाँ जाएगा? तो आज के दिन उसे संतुष्ट करना अधिकारियों का काम है, पहले किसी को भी स्थापित किया जाए, अब तब स्थापित किया जाए। तो आपके कहने का मतलब अपराधियों के साथ साथ निर्दोषों पे बोल रहे भाई, बहुत केस ऐसे हैं जो आराम से, गरीबों पर क्यों चलेगा आज के दिन में, जो 100 साल से है, 50 साल से है, अधिकारियों से अभी चल रहा है ना, रजिस्ट्री पेपर है, कैसे रजिस्ट्री हो गई? उन्होंने रजिस्ट्री की, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वैसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? अधिकारी लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कहाँ शासन प्रशासन था? और आज वो इतने दूर है तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी को उजाड़ दिया जाएगा तब तो एक माहौल एक तो ऐसे ख़राब है, दूसरा अधिकारी और माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो एक मतलब विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ लोगों के दर्द भी समझने हो, चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे भले मेरा वोटर हो चाहे न हो, सरकार में आने के बाद हम सबके हैं और सबके दर्द समझते हैं। सीटों का कम होने के कारण जो है प्रशासन मानते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है, देश कानून से चलता है, कानून संविधान के अंतर्गत है, संविधान को चलाने के लिए सरकार चाहिए, सरकार पार्टी बनाती है, अब पार्टी को कार्यकर्ता खड़ा बड़ा करता है और पार्टी की नीतियों को जमीन पर कार्यकर्ता पहुंचाता है, अपने नीचे जाता है और उसके पार्टी में रहने वाले लोगों को ऊपर पहुंचाता है। तो कार्यकर्ता देवतुल्य है, रीढ़ की हड्डी है, वही इसका हकदार है। तो कार्यकर्ता सरकार से बड़ा है, संगठन भाई, संगठन का मतलब शक्ति है, क्योंकि किसी भी आदमी को सम्मान सुख समृद्धि चाहिए तो सत्ता चाहिए, और सत्ता बिना शक्ति के होगा नहीं, वो भी राजनीतिक शक्ति, और राजनीतिक शक्ति संगठन से आता है। तो ये जनशक्ति पैदा करना संगठन का काम है, राजनीतिक शक्ति, बुद्धि शक्ति, बल शक्ति, सभी शक्ति वो करता है। तो ये जो है आज के दिन में मातृशक्ति सबको इकट्ठा हो करता है, तो संगठन बड़ा होता है और संगठन का हमेशा सम्मान होता रहता है आगे है। लेकिन कुछ 2-4% अधिकारियों की वजह से, क्योंकि 95% अधिकारी तो ठीक है, अगर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता आज के दिन में है। लेकिन वही कहते ना, एक मछली की वजह से तालाब है। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी, साइकिल, पंजा है और ऊपर से कमल, हम तो पहले से कह रहे हैं, जब मौका पाते हैं। आप गोरखपुर के हैं ना, गोरखपुर में आप देखो 2020 में चौरी चौरा में जो है नई बाजार है, वहाँ दो लड़के अपना जीते थे, क्या नाम है नगर जो है, रवि निषाद और कोदी निषाद, जीते थे जिला पंचायत सदस्य, लेकिन हारे हुए आदमी को सर्टिफिकेट दे दिया व्यक्ति ने, और अच्छे बड़े पदों पर थे और बाद में जेल गया क्या। तो ये कहने का मतलब कि मौका पाते हैं ऐसे लोग हैं जो उन पार्टियों से प्रेरित हैं, अपना काम करते हैं, और उसके वजह से कोई नुकसान